काली मुर्गी से सफेद अंडा। एक कहावत है ना, जमाना चले या रुके, लेकिन उसको एक जगह आकर रुकना होता है। हारने के बाद भी कप हमारे पास ही आ गया। कुछ भी बोलो, खैर छोड़ो। अरे बापरे, तो हम क्या यहाँ खुशी से पीने बैठे हैं? चुप रहो यार। तुम चुप रहो यार, ये बात बोलने से तुम नहीं समझोगे। फुटबॉल के खेल में मुझे तो लगता है भाई तेरे दिमाग में कीचड़ ही भरा हुआ है, नहीं तो तू फिर इन सब के पीछे थोड़ी पड़ा होता, वो भी इस जमाने में। हाँ, ये सब दादाजी की जबरदस्ती है, कृषि से ही संतुष्ट हैं। हाँ, तुम और तुम्हारा वो ओल्ड मैन अभी भी 18वीं शताब्दी में खड़े हो जहाँ कुछ नहीं है। तुम अपना बिजनेस बढ़ाने के बजाय ये फुटबॉल के बारे में सोचकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। वहाँ कुछ करने से फायदा नहीं। ऐसा किसने बोला? अरे भाई, ये ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। इस दुनिया में सबसे बड़ी 10 टूरिस्ट जगहों में से एक जगह है हमारा केरला। आगे से टूरिज्म ही हमारी कृषि है। इसमें कुछ कोशिश करके देखेंगे। बोलो, रिसॉर्ट या 5-स्टार होटल या अम्यूजमेंट पार्क, क्या चाहिए? यहाँ लैंडस्केप के मुताबिक हम कुछ भी कर सकते हैं। जब यहाँ अंग्रेज लोग आकर पैर रखेंगे तो हमें जितना पैसा चाहिए वो मिलेगा और वो देंगे। उसके लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा ना। इसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो है, सिर्फ जगह काफी है, बाद में फॉर्मेलिटीज। बलराम, मैं कौन हूं? सरकार पार्टी का MLA हूं। तुम सिर्फ मेरे साथ खड़े हो जाओ। नॉर्थ इंडिया से बिजनेस टाइकून को मैं इधर बुलाऊंगा और ये कुटप्पा का वादा है। माँ ने कहा है खाना लग गया है। ये कौन है, बेटी है क्या? लड़की का नाम क्या है? अम्बोली वर्मा। हम सब अम्मू कुट्टी के नाम से पुकारते हैं। पढ़ाई कंप्लीट हो गई क्या? अभी वो पढ़ रही है मंडप के स्कूल में। स्कूल में? अरे वही यार, एक एक क्लास में दो दो तीन तीन साल रहकर अभी मेरी बेटी 10वीं तक पहुंची है। इसका मतलब लड़की समझदार है। अरे भाई, मेरी भी एक ऐसी बेटी है। अच्छा? बच्चों को पढ़ाई करा के उनको पास करवा कर भी क्या फायदा, घर को कैसे चलाना है इतनी समझ आ जाए तो काफी है। इसके बारे में सोचकर एक लड़का पढ़ाई कर रहा है लंदन में, मेरी बहन का बेटा, अगले महीने वो इधर आने वाला है, इन दोनों की शादी करवा दूंगा। एक पैग और बनाओ यार। अब बस हो गया, बहुत देर से पी रहे हो ना, अब खाना खा लो। सुनिए बहन जी, अभी निकल गया तो कल दोपहर से पहले त्रिवेंद्रपुरम पहुंच सकते हैं। अगले दिन फिर एक असेंबली भी है। असेंबली? तुम्हें और कोई काम नहीं? हाँ, देश का सुधार तो हो नहीं रहा, कम से कम हमारा घर तो सुधर जाए। अरे मुफ्त में मिलने वाली चाय और बिस्किट को क्यों मिस करना है। चलो यार। हाँ, 6 टन चारा खाने के बाद भी तेरा पेट नहीं भरा है, फिर भी परेशान करना शुरू कर दिया। तेरा पेट है या गोडाउन, और कितना खाओगी? श्रीमती, गाली किसको दे रही हो? अरे मैं गाली नहीं दे रही हूँ भाई। किसके लिए? वो जो बेवकूफ लोग खड़े हैं ना, गाय। 50 गोनी चारा खाने के बाद भी चैन नहीं है। श्रीमती, फुटबॉल का मैच खेलने के बाद वो लोग अब तक आए नहीं ना। लड़कियों की यही तो परेशानी है, तुम क्यों राह देख रहे हो? मैं यहाँ तुम्हारे भाई से मिलने नहीं आई हूँ, मेरे पिताजी अब तक घर नहीं आए हैं, इसीलिए खेलने के बाद पीकर कहीं पड़े होंगे वो, मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। अगर ऐसा है तो अयप्पन के साथ कुछ तो झगड़ा हुआ होगा, आज फैसला करके ही रहूंगी, वो शायद उधर ही होगा। चलो देखते हैं, चलो चलो। अरे जोर से मारो, खुल के मारो, दिल से मारो, खेलते समय अपने आप को भूल जाते हैं ना, खेलते समय अपने आप को भूल जाते हैं ना, उधर भी देखो इधर भी देखो, हमें तो आम मिलेगा ही ना, आम मिलेगा ही ना। ए भगवान, नाच गाना बंद करके घर नहीं गए तो चमड़ी उधेड़ दूंगी। अरे श्रीमती, खेल के बाद मालिक ने हमें इनाम दिया, उससे हमने थोड़ी सी दारू पी ली, अभी तुम यहाँ आकर हमें मार क्यों रही हो? पीना ठीक है, लेकिन खेल के नाम पर तुम लोग जो नहा रहे हो ना, राक्षस कहीं के। इस तरह शराब पियोगे तो किसी दिन रोड पर गिरकर मर जाओगे। देखो ज़्यादा शराब पीने की वजह से पुट्टा लुढ़क के आ ना, पुट्टा मछली की तरह। ओहो, ये मछली नहीं, ये बांगड़ा है, बांगड़ा। उम्र में बड़े हैं, उनको भी शराब पिलाकर लुढ़का दिए हो, और तुम बंदर खुशी से नाच रहे हो और इनका मजाक उड़ा रहे हो। कल्याणी तुम भी चलो, जिनके दिमाग में भूसा भरा है उनसे बात करके क्या फायदा। सुनो श्रीमती, तुम माणिक भाई के यहाँ से चारा लेकर आई क्या? तू घर आ जा, तुझे खिलाने के लिए चारा रखी हूँ, बहुत सारा है, चाहो तो तुम्हारे पेट में ठूस लेना। बाप रे, पकड़ो यार, वो जैसा बोलती है वैसा कर देगी, कितना भारी है, उठाओ उठाओ, आ जाओ। तुमने इधर साफ सफाई नहीं की क्या? हम्म, अरे ये तो बांगड़ा ही है ना। नहीं, सांप है, खा लो।
खाने में मुझे सांप पसंद नहीं है, ये तुम्हें नहीं पता है क्या? वैसे भी कुछ भी हो बस गर्म होनी चाहिए, मैं जी भर के खा लूंगा। हाँ वो मैं जानती हूँ, रोकने टोकने वाला नहीं है ना, इसलिए मनमानी करते हो। जी तो करता है कि मारकर यहीं गाड़ दूं। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? और नहीं तो क्या बोलूं मैं? क्या बहन, तुम तो ऐसा कर रही हो जैसे तुम्हें मुझे प्यार ही नहीं है। मैं तुम्हारा भाई और तू मेरी बहन, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में मेरा और कौन है बहन? ओहो, हमेशा की तरह शुरू कर दिया ना। जब तक शराब का नशा होता है तब तक ये प्यार होता है। पेट भर के खाना खाओ और जाकर सो जाओ, और काम ही क्या है। न, 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 ये किस चीज की सब्जी है? श्रीमती, श्रीमती इधर आओ। अभी पढ़ाई करके तुम कल ही पंचायत की प्रेसिडेंट बनने वाली हो क्या? अरे मैं तुम्हें यहां बुला रहा हूं ना, अगर तुमने मेरे हाथ से एक निवाला नहीं खाया तो ये खाना मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये खाना, ये सब्जी और ये मच्छी के नाम पर जो सांप को फ्राई कर रहे हैं, बस ऐसे ही फिसल कर गिर गया, नींद आ रही है। तुम स्कूल जा रही हो ना? नहीं, शराब के ठेके पे जा रही हूँ। क्यों, आना है क्या? अरे क्यों तुम सुबह सुबह इतना गुस्सा करे जा रही हो? आपको इस उम्र में लफंगे लड़कों के साथ शराब पीने में शर्म नहीं आती क्या? अरे छोटी सी बात है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसा कई बार हो चुका है, आप ज्यादा मत बोलिए, नहीं तो इन लोगों को कुछ समझने का कोई फायदा ही नहीं है। तू इधर ही है क्या? हे बस हो गया, बहुत नाटक दिखा रही हो, इधर आओ। वेलो, हाँ, आ गए क्या? लगता है कल थोड़ा ज्यादा हो गया था। बस लग रहा है, कल घर कैसे पहुंचे पता है क्या? ऐसे वेलो, हाँ? कल बड़े मालिक ने जो हमको इनाम दिए थे वो कहाँ है? आहा, कल बड़े मालिक ने जो हमको इनाम दिए थे ना, वैसे उल्टी करके चला गया। मुझे कुछ याद नहीं है। आपको कैसे याद होगा पिताजी, आपको तो लाश की तरह उठाकर लाए थे ना। तू ये क्या लेकर आई है, मुझे दो। चाय की आदमी के लिए लेकर आई हूँ क्या? मैं कोई पराया आदमी हूँ क्या? चाय बनाने के लिए तुम्हारी बहन है ना, रीति रिवाज के साथ अपने घर ले चलो, फिर चाय बनाती हूँ। हाँ तू कॉफी बना कर देगी, तुझे लेकर जाऊंगा तो एक गिलास पानी भी नहीं पिलाएगी, ये तो तय है। कॉफी के लिए दूध पति है क्या, देखती हूँ। ये क्या, भूखी रहकर अपने आप को मारना चाहती है क्या? तो और नहीं तो क्या करूँ, वो बेवड़ा खाना खाकर खाने पर ही सो गया था। खैर छोड़ो, साहूकार के घर पे काम करके हिसाब किताब करके स्कूल जाने में देर हो जाएगी, वहाँ मैं कुछ खा लूंगी, तुम संभाल लो, चलती हूँ। सुनो विनो, खाने के लिए जब सोच लिया है तो मारने के लिए पीछे क्यों हटने का? पेट मत गिनो, फल खाओ, खेल चाहे जो भी हो। खैर छोड़ो, 10,000 रुपीज मैंने साइड में निकाल कर रख लिया है। कैसे? सिंपल, फुटबॉल टीम में प्रोड करने की वजह से एक छोटा सा एडजस्टमेंट। ए हुई ना बात, तुम पक्का भाई के हिसाब से ही सोच रहे हो? तो फिर चलो हम चलते हैं। कहाँ? ऊटी। उट्टी चलो, उट्टी चलो, मौज मस्ती करते हैं। अच्छा शगुन है, अच्छे काम से निकलते समय ऐसा शगुन मिलना चाहिए। राइट। कौन है हरी भरी कबाब? हेलो। आँख से अंधे हो क्या भूतनी के? अरे नोच लो, नोच लो, नजर लगा लो, बाकी मेरे लिए बचा कर रखना। क्या है ऐसे घूर कर देख रही हो? ये उस कॉलोनी में रहने वाली लड़की है, कुछ दिनों से मेरी नजर इस पर है। ए, आती हो क्या, ऊटी घूम कर आते हैं, आ जाओ बच्ची, डरो मत, चलो बहुत मस्ती करके आते हैं। क्या कर दी? ए, रुको जा रहे, कितना